आपको पता है उमर बिन खत्ताब के दौर में जब एक पर्शियन किंग को लाया गया, अब वो जनरल था वो, ठीक है, बड़े हाई पोस्ट का, तो उमर बिन खत्ताब ने उसको देखा और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और उससे उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, नो व्हाट हैपेंड, व्हाई इन दिस स्टेट यू आर द वंस. आपको पता है ये पर्शियन किंग्स ना, इनके ये ऑरा और ग्रैंडियर बहुत मैटर करता था. इनके जो तख्त होता ना, ह्यूज तख्त, और इनके सरों के ऊपर 90 kgs ऑफ गोल्ड होता था. अच्छा, 90 kgs ऑफ गोल्ड कैसे होगा? Which neck handle do you need for that? Basically, वो छत से ना एक hover कर रहा होता था ऊपर, और वो जब आके नीचे बैठते थे ना, तो उनके सर पे होता था वो ऐसे, और वो इतना magnificent होता था कि लोग आते ही उनके महल में सजदे में गिर जाते थे. तो उन्हें कहा, उमर खत्ताब ने कहा, you are at that place and you are here now. What happened? तो उसने तो जवाब दिया, वो पहचान गया था मुसलमानों को, क्योंकि बड़ी रिसर्च करते हैं. कहते हैं कि जब when the fight was between us and you, it was easy. But how can one fight with the one above the heavens? बड़ा जीता पक्का था यार उसका. ठीक है, जब दिल में पता था, दिल में पता था ना कि जब हम तुमने तो पीनट्स था यार, ये क्या बात थी. लेकिन जब तुम्हारे साथ रब आ गया ना, फिर अब कैसे लड़े रब से. ये तो शैतान को भी पता है ना, इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहेगा कि छुट्टी करो, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने तो वसवसा डाला था, किया तो तुमने. अकीदा हर चीज है, अगर अकीदा गया तो आप तबाह हैं. आप चाहे नमाजें पढ़ लें, जो कर लें, लेकिन अकीदा ख़राब हो गया ना, अगर आप अल्लाह से ऊपर किसी और को समझने लग गए, इट्स ओवर, गेम इज़ ओवर. अगर इक्वेशन में अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, गेम इज़ ओवर. तो एक तो बॉलीवुड मूवीज से इज्तनाब भी करें, दूसरों को भी बचाएं. देखें, हमें जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो बॉलीवुड, क्योंकि लैंग्वेज सेम है. हॉलीवुड इररेलेवेंट है हमारे लिए, वो और ही एक है, वो भी जाहिर है नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं वो समझ नहीं आती. मैं इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने हमें टारगेट किया है, इनके गाने आप सुन लें, क्योंकि इनकी ना माइथोलॉजी में लव, इश्क, वो और डांस और म्यूजिक, इसका ना बड़ा एक वो मजहब, ये इनका मजहब. तो ये हमारे बच्चे का अकीदा हर्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं. टिकटॉक में इंडियन गाने, ये माओ को देखना चाहिए उनकी औलाद क्या देख रही है, किस तरह की मूवीज देखते हैं वो. खुदा के लिए अपने बच्चों को इससे निकाल. मैं तो समझता हूँ कि जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान है और आखिर के दिन पे ईमान है ना, उसके फोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए. सही सही. आप फेसबुक यूज करें, यूट्यूब यूज करें, उसके फोन में ना, मतलब द वन हु बिलीव्स अल्लाह इन द लास्ट डे शुड नॉट हैव दिस एप्लीकेशन टिकटॉक इन हिज फोन, क्योंकि इसमें 97% गंद है. अपने बॉडी को शेक करने और पीछे म्यूजिक है और फिल्थ है. सो यू शुडंट हैव दिस एप्लीकेशन. आप देखिए, विल पावर का कितना गहरा ताल्लुक तवक्कल से, कि बंदा जिस भी दलदल में है ना, नहीं अल्लाह मुझे बचा लेगा, नहीं अल्लाह सोना जो है ठीक कर देगा, ये हो जाएगा वो, अल्लाह हर चीज अल्लाह पे. दिस इंक्रीजेज योर विल पावर, कि मुझे कोई नहीं हिला सकता. दुनिया उसे कही जाए, तू फेल है, तू खत्म हो गया, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तू जॉब कहाँ से करेगा, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह निकाल लेगा मुझे यहाँ से. ये है वो चीज़, विल पावर. और गोरे इससे महरूम है, अनफॉर्चुनेटली. उनमें जो विल पावर वाले लोग हैं वो नेचुरली वो हैं, लेकिन उनकी अवामोन्नास में कितनी लेस विल पावर है, कोरोना में पता लगा. सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यूके में, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यूके में, इटली में, यूरोप में, और सबसे डोमेस्टिक वायलेंस भी यूके में बढ़ा, यूरोप में. वजह फ्रस्ट्रेशन, कि नहीं मेरी जॉब चली जाएगी, वो शैतान हावी हो गया आगे तो, से कि तुम तो बर्बाद हो गए, लॉकडाउन में जॉब जा रही हैं, डाउन साइजिंग हो रही है. आप देखें कितना बड़ा रोल है तवक्कल का हमारी लाइफ में, और कितने महरूम है वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं. यार सुभान अल्लाह, कोई बुरे से बुरा मुसलमान भी हो ना, अमाल के एतबार से प्रैक्टिसिंग नहीं है, दीन का इल्म भी नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला है, तो उसकी लाइफ में जब कोई मसाइल वगैरह आते हैं ना, तो वो ये ज़रूर कहता है कि यार अल्लाह ताला जो है ना बचा गया. मतलब हर मुसलमान की ना हमारे मुआशरे में बैक पे जहन में अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर होती है, और ये उसको ना एक एंड पे जाके बचा के रखती है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर दोस सोसाइटीज़ जिनकी आप बात कर रहे हैं. तो इस लेसन से ना, अगर एक बंदा ये चीज़ ले जाना है कि अल्लाह ताला संभाल लेगा, अल्लाह हर चीज़, बस आपने ये करना, आपका काम क्या है, आपने अल्लाह के साथ सिंसियर रह के गुनाहों की लाइफ को छोड़ना है, अपने अल्लाह के साथ अपनी सिंसियरिटी शो करनी है.